आयुर्वेद विभाग की ओर से कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं, ताकि कोरोना योद्धाओं को सेवाओं के दौरान कोरोना से बचाया जा सके। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को कोरोना से बचाव के टिप्स देना शुरू किया है। इसके साथ संक्रमण की हालत में घरेलू उपाय भी बताए जा रहे हैं। रामपुर व नारकंडा नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में कोरोना योद्धाओं, खासकर सफाई कर्मियों और इम्यूनिटी बढ़ाने की आयुर्वेदिक औषधि दी जा रही है। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग ने रामपुर राजकीय चिकित्सालय में कोरोना के दौर को देखते हुए ओपीडी की सुविधा 6 के स्थान पर 12 घंटे कर दी है। अब ओपीडी प्रथम शिफ्ट में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे व दोपहर 2 से रात 8 बजे तक रहेगी, ताकि लोगों को अधिक से अधिक चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके। उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर कई भ्रांतियां फैली हैं। लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना वायरस काफी कमजोर है। नियमित गर्म पानी पीने से भी ये वायरस गले में ही नष्ट हो जाता है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं। इसे काढ़ा व अन्य आयुर्वेदिक इलाज के साथ इम्यूनिटी बढ़ाकर आसानी से लड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि रामपुर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए अब 12 घंटे में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। पहले 9:30 से 4 बजे तक ही ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हो रही थी, लेकिन अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक शिफ्ट में चिकित्सक बैठेंगे, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कि कोरोना वायरस के कारण एक पैनिक कंडीशन जो है वो समाज के अंदर क्रिएट हो रही है, और मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि हम संयम से काम लें और इस COVID-19 के इस वातावरण को समझें और कैसे इससे बचना है इसकी तरफ ध्यान दें, और जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसका भी पालन करें। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस ये बहुत वीक वायरस है, इससे हमें इतना घबराना नहीं चाहिए जितना पूरा समाज घबरा रहा है। अगर हम नियमित तौर पे गर्म पानी का प्रयोग करते हैं और अपने दैनिक इसमें दैनिकचर्या में गर्म पानी को शामिल करते हैं, तो कोरोना वायरस जो है वो बॉडी के अंदर अटैक कर ही नहीं पाएगा। और इससे दूसरी जुड़ी बात कि जो कोरोना वायरस है किसी कारण अगर गले के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको 3 दिन चाहिए उसको मल्टीप्लाई होने के लिए, फिर वो लंग्स को प्रभावित करता है। तो अगर हम इन 3 दिनों के अंदर शुरू से ही, जैसा मैंने निवेदन किया, हम गर्म पानी अगर ले रहे हैं तो उससे वॉश हो जाएगा